दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में चल रहे टेस्ट मैच एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया है। खेल के पांचवें दिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जसप्रीत बुमराह पर जमकर निशाना साधा और उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके बाद ये भारतीय खिलाड़ी भड़क गए। इसके बाद बुमराह और बटलर के बीच काफी देर तक बहस हुई और अंपायरों को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं बुमराह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भिड़ता देख कप्तान विराट कोहली भी काफी आक्रामक मूड में दिखे और उन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी से गालियां दी और जमकर तालियां बजाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं ये घटना भारतीय पारी के 92 ओवर के तुरंत बाद घटी, जब मार्क वुड ने जसप्रीत बुमराह को कुछ कहा और इस खिलाड़ी ने उन्हें जवाब दिया। इसके बाद विकेटकीपर जोस बटलर ने बुमराह को कुछ ऐसा कहा कि ये खिलाड़ी काफी नाराज दिखाई दिया। वहीं इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भी बीच में आए और बुमराह ने उन्हें भी जवाब दिया। वहीं ये सब देख मैदान पर खड़े दोनों अंपायरों ने भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कुछ समझाना चाहा, लेकिन बुमराह उन्हें बताते नजर आए कि इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी हद पार कर रहे हैं। वहीं मैदान पर जो कुछ हो रहा था वो सब विराट कोहली देख रहे थे। लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी में खड़े विराट कोहली उस वक्त बेहद आक्रामक हो गए जब बुमराह ने मार्क वुड की पहली गेंद पर चौका लगाया। वहीं विराट कोहली ने काफी गुस्से में तालियां बजाई और वो गालियां भी देते नजर आए। वहीं विराट कोहली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।